आगे बढ़ रहा हूं। इरफान हाफिज लोन, मतलब अब देखिए पाकिस्तानी पत्रकार हैं वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के झूठे एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रही हैं, लेकिन यहां के कुछ अलगाववादी है जो इमरान खान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि यहां डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। इरफान हाफिज लोन, कश्मीर में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। जी जी बोलिए बोलिए। उनका क्या इको हो रहा है, ठीक करिए जरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए इमरान खान क्या बोलते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। हम एज ए कश्मीरी जो समझते हैं वो बात आगे रखना चाहते हैं, भले ही कोई ये बात कहे पाकिस्तान या कोई और मुल्क, लेकिन जो हकीकत है उसे हमें रखना है। हम अपनी बात संविधान के दायरे में ढूंढ रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि जो 35A 370 था वो ये सुनिश्चित करता था, इस बात की गारंटी देता था कि यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगी और वर्ल्ड में कश्मीर जैसी जो जगह खूबसूरत है जहां का एनवायरमेंट बहुत नाजुक होता है वहां ऐसी प्रोटेक्शंस है। बिल्कुल exactly यही भाषण दिया इमरान खान ने, भी है लेकिन यही बोला इमरान खान ने, कहता था कि यहाँ की नौकरी यहाँ के, यही बोला इमरान खान ने बिल्कुल विचारों में, मैं वही यही बोला इमरान खान ने जो आप बोल रहे हैं, यही बोला एग्जैक्टली। वो कौन होते हैं, हम एज अ कश्मीरी बोलने वाले, वो तो जिनके भरोसे आप हैं वो तो जाने वाले हैं। अमन जी आप देखिए, मैंने कल भी आपको बोला मैं आपके शो में बहुत पेशेंटली सुनता हूँ, लेकिन जब मौका मिलता है बोलने दीजिए। नहीं मुझे नहीं सुनते, आप इमरान खान को सुनते हैं, झूठ मत बोलिए। नहीं आप इमरान खान को सुनते हैं, फिर वही आके रिपीट करते हैं। मुझे सुन, अगर आप मुझे सुनते तो फिर आपकी भाषा ये नहीं होती। संविधान ने दी, झूठ मत बोलिए। आप बोल रहे हैं मुझे सुनते हैं, मुझे सुनते तो आप ये नहीं बोलते। आप सुनिए, इमरान खान को सुनते हैं। और जब हम लोगों को ये बोलते थे कि हिंदुस्तान एक अच्छा देश है, 47 में फैसला हुआ है, एक राजनीतिक हाल इस संविधान के दायरे में निकालेंगे, आज वो मुझे कहते हैं कि देखो मानव अधिकारों का उल्लंघन, देखो उनके पास प्रधानमंत्री है जो उनके पास कश्मीर है, उनके पास राष्ट्रपति है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास अपना इलेक्शन कमीशन है। आपको भारत सरकार जिसे आप लोकतंत्र जिसे आप सेक्युलर देश मानते थे, किस तरीके से आपके साथ अन्याय हुआ, मतलब किस और के मेरे साथ? जैसे लोग शर्मिंदा हो जाते हैं उनको समझाने में, जहां पीओके में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं आप, था एक सही फैसला जो पीओके में हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। वो लोग कहते थे कि वो वाला कश्मीर को यहां से ज्यादा स्वायत्तता है उनके पास। अच्छा आज आप ये जो पीओके की बात कर रहे हैं, आप पीओके में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जो पीओके में आपके कश्मीरी भाइयों के साथ इमरान खान पाकिस्तान कर रहा है, पीओके में उनका सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन है, उनका राष्ट्रपति है, मेरे पास भी मेरा राष्ट्रपति था, मेरा अपना सदर रियासत जिसे कहते थे, अपना प्रधानमंत्री था, भारत सरकार ने हमें छीना, और जो 5 अगस्त का फैसला था दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, उन्होंने उस दिन लक्ष्मण अयूब मिर्जा पीओके से हैं, वो भी कश्मीरी भाई हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, उसके बाद शहजाद आ रहा हूं, पाक अधिकृत कश्मीर के कश्मीरी भाई मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अमजद अयूब मिर्जा साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। जी जी मैं पहले तो ये भाई साहब का जवाब दे दूं कि ये बड़ा गर्व कर रहे हैं कि हमारे पीओजेके में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, और भाई ये सब पाकिस्तानी मिलिट्री के सहूलतकार हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं बनी जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिटिंग गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर हो। ये सब पाकिस्तान के सहूलतकार और जहादी नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, आपको शायद गलतफहमी है। मैं आना चाहता हूं ओआईसी की मीटिंग की तरफ, क्योंकि आपका आज का जो मुद्दा जहां से आपने बात शुरू की, जी जी जी, वो इमरान खान की तकरीर सुनाई आपने जिसमें वो कह रहा है कि इंडिया में इंडियन कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज की जा रही है जो कि वॉर क्राइम है, और इसलिए वॉर क्राइम है कि पाकिस्तान का जो इंडिया का जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर का वो ऑक्यूपाइड लैंड। तो इसी से पता चल जाता है कि इस बेचारे को इतिहास का कुछ पता नहीं, जो कभी जर्मनी और जापान की सरहदें मिला देता है तो उसको इतिहास का पता नहीं। इंडियन यूनियन टेरिटरी जो अब स्टेट बन जाएगी इलेक्शन के बाद, वो कोई ऑक्यूपाइड टेरिटरी नहीं है। मेरे किंग ने इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया है, उस पर साइन किए हैं,
हम भारत का हिस्सा हैं, भारत की बिकाऊ है, को दूर से लगता है ये बंदा जो भी। अच्छा वो झूठ, एक मिनट इरफान आप इस कैन आई फिनिश वजह से ये बात बोलता होगा, इसको पता ही नहीं है। अच्छा वो भारत की बात कर रहे हैं तो बिका हुआ है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं फिर सप्लीमेंट्री किया, वो इमरान की बात जुबान में जुबान नहीं मिला रहे तो वो बिका हो गए और आप ईमानदार हो गए। मैं गारंटी वो देता पीओके से पाक है। अधिकृत कश्मीर देखे पीछे तिरंगा लगाया हुआ मेरे ख्याल से इन्होंने, वो पीओके के एक्टिविस्ट हैं, वो भारत की बात कर रहे हैं तो वो बिकाऊ हो गए इरफान हाफिज लोन, और आप इमरान की जुबान में जुबान मिलाए और आप सच्चे भारतीय हो गए। पता नहीं कहां से इन बाहर के लोगों को आप ला के, बड़ा बुरा लग रहा है, पोल खोल रहे हैं आपकी तो वो देखिए। मेरी सुन लो जरा, सुन ले गधे, देखिए जैसे गधा गधा हंस रहा है वैसे ही हंस रहा है, वो भारत की बात कर रहे हैं तो आप उनको गाली दे रहे हैं। इमरान खान के लिए बोलिए ना शब्द, अगर हिम्मत है तो, ये जो शब्द आपने बोला इमरान खान के लिए बोलिए, संविधान में लूंगा, बोलिए ना इमरान खान के लिए ऐसे शब्द बोलिए ना। हाँ शिमला एग्रीमेंट, इमरान खान के खिलाफ बोल के दिखाइए ऐसे शब्द, है हिम्मत है हैसियत, इमरान खान के लिए बोल के दिखाइए ना, जो शब्द अभी आपने जो शब्द अभी पीओके से कश्मीरी भाई के लिए बोलिए बोले हैं। अक्टूबर 1947 को शिमला एग्रीमेंट ने हमारी रियासत पे हमला किया, इस अनपढ़ आदमी को, इस बिकाऊ आदमी को बोलिए पढ़े, पाकिस्तान काबिज है, पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान की डेमोग्राफी चेंज की, 25% नॉन रेजिडेंट्स है इस वक्त वहां पे, और इतनी ही या इससे भी ज्यादा तादाद नॉन रेजिडेंट्स की आबाद की गई है पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर। वॉर क्राइम तो पाकिस्तान ने खुद किया है, नंबर वन। नंबर टू ये कि इन्होंने कहा कि हमने ये OIC बुलाई है अफगानिस्तान के मुद्दे के लिए, बीच में इन्होंने कश्मीर शामिल कर दिया, अफगानिस्तान का तो फॉरेन मिनिस्टर आया ही नहीं, वो जो अमीर खान मुत्तकी है वो तो आया ही नहीं, उसने फॉरेन ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी सुबकी है पाकिस्तान की। फिर ये कि इमरान खान ने खुद एक्नॉलेज किया है कि OIC बेअसर है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता, इसकी कोई सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? मुसलमानों की दुनिया में इन मुसलमान देशों की क्यों नहीं सुनता? इसलिए कि आज मुसलमान उम्मत जो है या उम्मा जो है ये एक तसव्वुर है, एक ख्याल है, मुसलमान उम्मा 72 सेक्ट्स में तकसीम है, ये कोई यूनिफाइड बॉडी नहीं है। तो इसलिए ये OIC की मीटिंग को तो मैं कुछ भी नहीं समझता। हाँ जरूरी जो मैं समझता हूं, एंड आई विल एंड ऑन दिस, जरूरी ये है कि हम इस वक्त एक POJK का एक एनवॉय बनाएं जो जाके इन मुस्लिम देशों के जो फॉरेन ऑफिसर्स हैं वहां जाके उनको ब्रीफिंग दे और उनको सच समझ में आए, क्योंकि पाकिस्तान ने इतना जहर उगला हुआ है इंडिया और इंडिया के कश्मीर को लेकर कि उसको तोड़ने के लिए इंडिजिनस पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का एनवॉय ही उसका तोड़ कर सकता है।